ये अगर आप रिकॉर्डिंग वालों के लिए बोल दे रहे, कोई सीधे सेकंड रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो पिछला रिकॉर्डिंग देख ले, दोनों रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर दिए ऐसा बोल दे रहे एडवांस में। खैर तो यहाँ पे आधा आपको बता चुके थे, आधा आपको हम बता चुके थे, तो कौन कौन सा पॉइंट अब सेम पोटेंशियल पे है वो गौर कीजिए। बी डी और ई और सी एफ और एच सेम पोटेंशियल पे है, तो हम वायर खोल चुके हैं, तो फिर से सारा नामकरण करेंगे पॉइंट। पहले लिखा आपने ए, बी डी ई सेम पोटेंशियल पे है तो बी डी ई को एक साथ लिख दिए और सी एफ एच को एक साथ लिख दिया, अकेला बचा जी। अब हम वायर जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए ए से निकला तीन वायर, एक वायर गया बी के पास, तो ए से एक वायर जाएगा बी के पास, ए से एक और वायर गया डी के पास, तो ए से एक और वायर गया डी के पास, एक और वायर डी के पास भेज रहे हैं। बी भी एक ही घर में रहता तो हम क्या करें, ए से एक और वायर गया ई के पास, ए से एक और वायर गया ई के पास, गौर कर रहे हैं, ए से तीनों वायर एक ही घर में गया, बी डी और ई तीन वायर हो गया, माया ए से तीन वायर। अब बी से देखो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बी से एक वायर गया सी के पास, एक वायर गया एफ के पास, सी और एफ एक ही घर में है, तो बी से एक वायर गया सी के पास, एक वायर गया एफ के पास, ठीक है, सब एक ही जगह है। डी से कहाँ कहाँ जा रहे हैं, डी से एक गया सी के पास, एक गया एच के पास, ए से ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन डी से एक फिर लौटा दिए गए, लेट आएंगे, हमको बार बार आपको एडमिट करना पड़ रहा है। देखिए डी से दो बार गया, एक सी पे गया एक एच पे गया, सी और एच दोनों वही हैं, तो डी से एक गया सी पे, एक गया एच पे, देखा एक गया सी पे एक गया एच पे, देखो वायर हम खोल चुके हैं, लास्ट बचा आपको एच, एच से कहाँ, एच से कहाँ कौन गया भाई, बी हो गया बी, ई बचा ई, ई से कहाँ कहाँ जा रहा है, ई से गया एच और ई से गया एफ, ई से भी दो पॉइंट गया, ई से गया एच और एफ भी वही है, एक गया एच एक गया एफ, ठीक है, सारा बार एक बार छूटने नहीं देता, कितना बार आपने खोल दिया, एक दो तीन यहाँ है, चार पांच छह सात आठ नौ, टोटल नौ बार और तीन बचा, एच से भी जी एफ से भी जी सी से भी जी, ये तीन बार दिख रहा है एक्स्ट्रा जो बचा है, यानी सी से भी जी जा रहे हैं, एफ से भी जी जा रहे हैं, एच से भी जी जा रहे हैं, पॉइंट इधर आपका ए पॉइंट है, देख लो तो वायर खोलना कितना आसान, जो जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है वो सबको एक जगह एक घर में दे दिए और उसके बाद इधर से वायर खुला, ये आर आर आर, ये टोटल छह आर यहाँ पे तीन, ये पैरेलल में है, आपको पता है ना, वन बाय आर वन बाय आर वन बाय आर, ये आर बाय थ्री, ये वाला आर बाय सिक्स और ये वाला आर बाय थ्री, इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों सीरीज में, therefore r equivalent r by 3 plus r by 6 plus r by 3 LCM 6 5 r by 6 answer, देख लो कितना आसान है। हाँ लगता है दोबारा ये बताना पड़ेगा, कुछ लोग को दोबारा पूछना है शायद, फिर से बता रहे हैं, कई लोग को नहीं समझ में आया हम फिर से बता रहे हैं, ओके देखिए सबका मैसेज पढ़ लिया मैंने भाई, इसमें करना क्या है, नॉर्मल सा तरीका, पहले करंट कैसे बांटना है, बस शुरुआत और अंत देखना, शुरुआत में आपको देखना है कि यहाँ से तीन जो वायर है एग्जिट पॉइंट से बराबर दूरी पे है या नहीं, जैसे यहाँ पे ये वाला भी तीन वायर की दूरी पे था, ये भी तीन वायर की दूरी पे था, ये भी एक वायर दो वायर तीन, तो इसी तो शुरू में तीनों में सेम करंट दिया, आई 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 टोटल थ्री आई आया थ्री आई लौटा, ठीक है, अब सेम करंट यहाँ गया सेम करंट यहाँ सेम करंट यहाँ, तो जहां जहां वो करंट गया वोल्टेज सेम होगा, किसका वोल्टेज सेम होगा आपस में, बी डी और ई, ये तीन पॉइंट का वोल्टेज सेम हुआ बी डी और ई का, उसी तरह से ये जी पॉइंट पे तीन जगह से आ रहा है, सी से एफ से और एच से, आपको हम प्रूफ दिखा चुके हैं, सी का भी एफ का भी और एच का भी, इन तीनों का वोल्टेज सेम दिख रहा है आपको, इन तीनों का वोल्टेज सेम, लेकिन हाँ ये इसके सेम नहीं, ये इसके सेम नहीं, ये तीनों आपस में सेम, ये तीनों आपस में सेम, अब हर पॉइंट को हम लिखते हैं, जो सेम सेम वाला पॉइंट उस पे एक जगह लिखेंगे, ए लिखे अलग से, ए के बाद कौन सा तीन पॉइंट एक साथ लिखेंगे, बी डी और ई, तो बी डी और ए साथ लिखे, फिर कौन
कौन सा तीन पॉइंट आपको लिखना है, सी एफ और एच, सी एफ करेक्ट साथ लिखे, लास्ट में क्या लिख दिए जी। अब क्या करना है, वायर को देखना है कौन कहाँ से गया है, उसी हिसाब से कनेक्शन करना है। 12 वायर है टोटल, 12 वायर खुला हुआ। सबसे पहले ए से शुरुआत करना है, ए से, तो ए से तीन वायर गया, एक वायर गया बी के पास, एक वायर गया डी के पास, एक वायर गया ई के पास, और कहीं ए से वायर गया है, बी डी ई तीनों एक ही जगह पे, इसलिए ए से तीन वायर एक ही जगह पे गया बी डी ई, इसलिए तीनों पैरेलल में हो। अब देखो बी पे है, बी से दो वायर गया, एक सी पे गया और एक एफ पे गया, बी से दो वायर सी और एफ, और सी और एफ एक ही रूम में है, एक ही घर में है, इसलिए बी से दो वायर एक ही जगह पे गया। उसी तरह से बी के बाद डी से भी दो वायर गया सी और एच, तो डी से भी दो वायर सी और एच एक ही जगह पे, तो दो वायर यहाँ निकाले। ई से भी दो गया एफ और एच, ई से भी दो गया एफ और एच, तो टोटल छह वायर घर हो गया। अब लास्ट सी से भी आया जी, एफ से भी आया जी, एच से भी आया जी, सब आया जी, यानी तीनों से एक वायर जी, टोटल तीन से तीन छह छह 12 वायर हो गया। ये तीनों पैरेलल, ये तीनों पैरेलल, ये छह पैरेलल, ये बना आर बाई थ्री, आर बाई थ्री आपने तीनों सीरीज। ये आसान तरीका है, तो लूप लॉ से बनाते रहो करंट डिस्ट्रीब्यूटर के, मेहनत लगेगा, सेकेंड में बन रहा देख लो। अभी स्कूल में एक ही सवाल यही लोग बताता है टीचर, लूप लॉ से लिखा है कि वो आसान हो जाता है, बाकी ये दोनों बनाने में और मेहनत लग जाता है उससे, तो आप लोग खाली एक ही जानते हैं, बाकी तो छोड़ देते हैं। और कोई दिक्कत? ए से जी का पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता है, आस्था पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच का सेम हो रहा है, यहाँ पे वीएमएस भी रेजिस्टेंस है सेम, सब जगह करंट अभी बांटे कहाँ है, जो आप जान गए कि ए और जी का सेम हो जाएगा, हम तो सिर्फ ये दो करंट पता था तो हम जान गए सेम है। ए से जी के बीच में इतना इतना वायर है, करंट कहाँ सब में आ बांटे हैं, बीच का बाद में करंट कहाँ बांटते हैं, अब कैसे जानते हैं पोटेंशियल ए और जी का सेम ही हो जाएगा, तब तो करंट ही नहीं आएगा, तो क्या रहा है। ठीक है स्क्रीनशॉट ले, एक सवाल तक कोई सीख नहीं जाता है सिमेट्री, सिमेट्री अभी हम सिखा रहे हैं, आप ध्यान से सीखिएगा। अगर यही सवाल आपको हम दे देते ए और सी के बीच में तो कैसे बनाते, ए और सी, ए और सी बनाना है, ए से करंट आएगा सी से निकलेगा, बनाइए। ए और सी के बीच में देखिए हम सिखा रहे हैं, बस थोड़ा सा 5 मिनट का हेल्प करेंगे दाल मार। देखिए ऐसा है कुछ, इस बार करंट ए से एंट्री करेगा और सी से निकल रहा है, इस बार करंट ए से एंट्री करेगा सी से निकल रहा है, ध्यान रखिएगा ए से करंट करके सी से निकलेगा, ध्यान ठीक है, आंसर आर नहीं है, आंसर गलत है रिया, ध्यान दीजिए इसको, वैसे आपको आंसर आएगा उसको रट में लेना है। देखो सीख लेना, ए से एंट्री सी से करंट बाहर, चेक करते हैं, करंट तीन सब में आ रहा है, ध्यान रखिएगा करंट तीन हिस्सों में बटेगा, एक सवाल के बाद दूसरा सवाल सीखते तब दिमाग हल्का खुलता है।
अब पहला साल तो कुछ नहीं खुला, आप खुलेगा जितने लोग अवेलेबल है उतने लोग बात करें। ए से सी की ओर करंट जा रहा है, इस वायर इधर जाएगा तो एक वायर दो वायर, इधर जाएगा तो एक वायर दो वायर, लेकिन इससे जाएगा तो एक वायर दो वायर तीन वायर चार वायर, कम से कम चार वायर लग रहा है ना। यानी इस वायर और इस वायर का दूरी सेम है सी पॉइंट, लेकिन इसका दूरी सेम नहीं है। यानी इसमें अगर निकलेगा भी कितना करंट, टू आई प्लस आई डैश, ठीक है आपको यहाँ तक, यहाँ पे आई है अब सिमेट्री के हिसाब से, तब इधर से भी आई होना चाहिए, यहाँ से भी आई, तभी तो यहाँ पे आपको आई डैश सिमेट्री से, तब ना ये टू आई प्लस आई डैश निकलेगा डायरेक्ट फ्रॉम सिमेट्री, आई 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 डैश, ठीक है। वैसे आप देखने से क्या लग रहा है वो समझिएगा ध्यान से। ए से करंट गया बी में आई, और ए से करंट गया डी में आई, यानी कौन कौन से पोटेंशियल पे हो गया जरा बताना तो, बी और डी, बी और डी सेम पोटेंशियल पे क्यों हुआ, कि यहाँ बी ए मैजिक भी आई आर होगा, यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा था, यानी कि पहला हो गया बी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल, बी और डी सेम पोटेंशियल पे हो गया, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अगर यहाँ पे सौ रुपए गए हैं तो यहाँ पे तो दो हिस्सों में बांटना चाहिए करंट को, आई है इधर इधर तो बटना चाहिए, तो अगर बटेगा तो इधर आई कैसे जाएगा, आई से तो कुछ कम जाना चाहिए, लेकिन ये आई से सिमेट्री से पूरा आई है, मतलब इधर से कोई करंट नहीं जा रहा है, तभी तो ये आई आके सीधे आई निकल गया है, आई आके सीधे निकल गया मतलब इधर से कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, मतलब इन दोनों का वोल्टेज सेम है, तभी तो कोई करंट पास नहीं कर रहा है, यानी जो वोल्टेज बी का है वही वोल्टेज इसका है एफ का, इतना लेट में लोग आ रहे हैं, जो वोल्टेज बी का है वही वोल्टेज एफ का है, उसी तरह से यहाँ आई है वही आई आगे निकल गया, मतलब डी और एफ का वोल्टेज सेम है, और जब बी और डी का सेम है मतलब किसका सेम हो जाएगा, एच का और एफ का, कैसे सेम हो गया समझ में आया, इससे कोई करंट पास नहीं करने वाला है, यानी इसका वोल्टेज सेम, इसका सेम, इसीलिए जब बी और डी इक्वल है तो एच और एफ भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, हम एक साथ चार वायर नहीं कर सकते हैं, क्रॉस हॉट पॉट हो जाएगा, इसलिए दो दो का पेयर बना रहे हैं, और कौन सेम हो जाएगा, एच एंड एफ आर एट सेम पोटेंशियल, ये बिल्कुल सही है कि ये सब भी है तो आपस में इक्वल होगा, लेकिन दो दो का पेयर बनाएंगे, मैक्सिमम तीन जाते हैं या दो का ही पेयर रखिएगा सिमेट्री में, ध्यान रखिए। फिर से देखिए करंट बंटवारा, यहाँ जो करंट गया वही इधर जा रहा है, यानी तो करंट पास नहीं किया है, यहाँ जो करंट गया वही आगे निकल गया, मतलब इधर तो करंट पास नहीं किया है, मतलब ये दोनों का वोल्टेज सेम है तभी तो करंट पास नहीं किया है, इसका भी पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएगा सेम, क्या टाइम हो गया चार पॉइंट। अब इन आप देखो, अब इसको सेट कर लेना है और कुछ नहीं, पॉइंट का नाम लिख देना है ए, और कौन कौन सा पोटेंशियल पे है भाई, बी डी, और कौन है एच एफ, और कौन है ई है, और कौन है सी है, और जी है। देखो ए बी डी सेम था, बी डी को साथ में रखे, एच एफ को साथ में रखे, ई बचा था, जी बचा था, सी बचा था। वायर खोलना शुरू करते हैं, ए से कहाँ कहाँ वायर गया, ए से गया है बी, ए से गया है डी, ए से गया है ई, ए से गया है बी, ए से गया है डी, ए से गया है ई। नॉर्मल अगर आपको कॉम्पिटेटिव ब्रेन बनाना है, सीखना है, तो ये मेथड सीखना है तो आपको क्या मेहनत करना हो, नहीं तो बोरिंग तो आपको लग ही रहा है, आप निकल लीजिए आराम से। बी से गया एफ, डी से गया एच, बी से गया एफ, डी से गया एच, आगे पीछे कोई रहा कोई दिक्कत नहीं, गया ना। ई से कहाँ जा रहा है, ई से गया एफ, ई से गया एच, ई से गया एफ, ई से गया एच, दोनों यही है, ठीक है। अब बी और डी से कहाँ जा रहा है, बी से गया सी, डी से गया सी, दोनों से सी जा रहा है, बी से गया सी, डी से गया सी, एच एफ से कहाँ जा रहा है, एच और एफ से, ये दोनों से जा रहा है, एच से भी गया जी, जी एफ से भी गया जी, इससे भी गया जी, इससे भी गया जी, सी, अब जी एक और बच रहा है सी, सी से कहाँ जा रहा है, जी सी से जी। अब चेक करो टोटल 12 वायर है कि नहीं, दो दो चार दो छह, दो आठ दस ग्यारह बारह, करेंट को हमेशा ए से एंट्री करके सी से निकलना है, ध्यान रखिएगा सब आर है।
अब ये आसान हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन सीख के तो लूप लॉ जिंदाबाद बनाइए, उससे तो समय ले बन जाएगा। आर आर ये कितना बन जाएगा वो देखिए, आर बाई टू क्योंकि ये पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में हो जाएगा आर बाई टू, बीच में भी आर बाई टू, ये वाला लेकिन आर, ये वाला आपका आर बाई टू, ये वाला आपका आर, ये वाला आपका आर बाई टू। हाँ करंट यहाँ और यहाँ है, कोई भूल तो मत सोचिए, यहाँ और यहाँ है ए और सी ए पॉइंट। तो करंट जो है जब जाएगा यहाँ तो जो इसमें जाएगा नहीं तो वही इसमें जाएगा, ये आर आर वाई टू सीरीज में हो जाएगा, उसी तरह से ये दोनों भी सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में होगा ना, तो क्या बन जाएगा वो देखो, आर बाई टू प्लस आर थ्री आर बाई टू, जो डिस्टेंस रख रहा है वही पाएगा आर बाई टू, आर बाई टू थ्री आर बाई टू, लिखा आपको ए और सी। अब यहाँ पे आपको वीक स्टोन दिख रहा होगा, दिस बाय दिस बी वन, दिस बाय दिस बी वन, मतलब कौन सा कंडीशन, वीक स्टोन, यानी इस वाले से कोई करंट पास करने वाला नहीं है, सर्किट हट जाएगा, आर बाई टू आर बाई टू थ्री आर बाई टू थ्री आर बाई टू, करंट यहां से निकलना है, साफ दिख रहा है, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज जो आएगा वो पैरेलल, यानी आपका आंसर हो जाएगा R by 2, R by 2, R, 3 R by 2, R by 2, 3 R, therefore 1 by R equivalent, 1 by R plus 1 by 3 R, LCM will be 3 R, ऊपर हो जाएगा 4, then there are 3 R by 4, answer 3 R by 4, देखो, answer is 3 R by 4, पता नहीं सवाल शायद, वर्मा जी ने सवाल बनाया हुआ है एक्चुअल में, लेकिन इनका मेथड अलग है, ये अलग है, ये अलग है। आपको एक और ट्राई करना है खुद से, ए से एंट्री होगा बी से निकलेगा, सेम मेथड से ट्राई कीजिएगा जो तरीका सिखा रहा है, तो सीख जाओगे, यूट्यूब में जाओ उसको हम डाल देंगे आज रात को 10 बजे तक, वहां पे जाकर दोबारा उसको देखो, जितने आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी आए आपको दिख जाएगा, हम बार बार उसको लिंक भेजते नहीं रहेंगे, आप वहाँ जाओ देखो, उसके बाद फिर से समझ में आएगा ये कैसे बनेगा, और इसको जल्दी से बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं कोई दिक्कत हो आप मुझे पूछो। चलिए तो मीटिंग एंड करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, बना लीजिए इसको आराम से, आस्था कुछ पूछना है, दो तीन लोगों को पूछना है, आस्था बोलो, आंचल बोलो, बोलो भैया वो सेकंड स्टेप में जो भी तो लगते थे वीटस्टोन यहाँ लगा सकते, ये बोल रहे हैं पीछे यहाँ, हाँ यहाँ पे वीटस्टोन कब लगे, तभी हाँ होगा तब लगेगा, अभी तो कोई एक दो तीन चार वायर है, पहले ज्यादा वायर था, एक दो तीन चार पांच छह वायर था, वीटस्टोन में चार ही वायर बचे हैं ना, पहले को छोटा कर लिए अब लगा, ठीक है ठीक है, आप जब बोलो भैया ये वाला ये करंट वाला फिर से बता दीजिए ना, ये वाला करंट डिस्ट्रीब्यूशन बता दे, हाँ हाँ भैया वही वाला, देखो एकदम आसान है, तो ए से इस बार जाना है सी, ए से एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये वायर सीधे एक वायर दो वायर की दूरी पे, ये वाला भी एक वायर दो वायर की दूरी पे, लेकिन ये वाला एक वायर दो वायर तीन और चार, मिनिमम चार वायर की दूरी, मतलब ये दोनों बराबर दूरी पे अलग दूरी पे, दोनों में सेम करंट या कोई, इसमें आई आई तो इसमें आई डैश, सिमेट्री के हिसाब से इसमें आई डैश तो इसमें आई डैश, इसमें आई आई, क्योंकि आई जितना उतना ही निकलेगा, आई जितना होता ही निकलेगा, वही सिमेट्री लगेगा, ठीक रहा है, तो जहाँ करंट सेम गया वो सेम पोटेंशियल पे बी और डी, लेकिन ये आई है तो यहाँ करंट को बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ सिमेट्री से आई आ रहा, मतलब करंट बिना नीचे गए सीधे इधर चला गया, यानी इसका पोटेंशियल इसके बराबर है तभी तो उसके बीच में करंट नहीं गया, ठीक उसी तरह से यहाँ से भी सीधे निकल गया, मतलब इसका वोल्टेज इसके बराबर है, और ये जो कि आपस में बराबर है इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर हो गया, ठीक है भैया, अगर वो निकल जाते तो भैया अगर वहां से करंट निकल जाता तो बराबर नहीं होता, नहीं तब तो ये आई फिट यहाँ तो बदल जाता ना, जितना आया उतना नहीं आ रहा है तो बराबर नहीं होता, तब तो करंट बढ़ गया तो फिर तो कैसे कह सकते सेम, हाँ वो हो सकता है करंट अगर सेम ज्यादा, फिर चेक करते
अगर सेम करंट दोनों में जाता तो भी बराबर हो जाता, बिल्कुल हो जाता। अगर इसमें जितना करंट जाता उसमें भी इतना ही जाता, तो अगर ये पोटेंशियल सेम है तो भी ये इक्वल होता, तो भी ये इक्वल होता। लेकिन इसमें करंट नहीं जा रहा है क्योंकि बीच स्टोन आ जा रहा है। लास्ट में चेक करो, ये वाला वही वायर है जो ये दोनों वायर से मिलकर बना है। ठीक है डिम्पल, बोलो डिम्पल। और फिर गौरव भी उठाया था मुझसे। हाँ डिम्पल बोलो। भैया वो वहां पर करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा है? यहाँ पे क्योंकि वीक स्टोन हो रहा है, वोल्टेज सेम हो जा रहा है, इसलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा। वो तो हम सिमेट्री से बनाते हैं तो उसमें अपना हाँ ठीक है। और ठीक है सिमेट्री का खासियत यही कि हम लोग को गेस से ही पता चल जाता है शुरुआत में। हाँ बोलो बोलो भैया, पता कैसे चलेगा कि बीएफ वाला जो वायर है उसमें करंट जा ही नहीं रहा है? ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि नहीं ही जाएगा। हम लोग सिमेट्री से बोले ना, बिल्कुल बिल्कुल पता चलेगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जब इक्वल डिस्टेंस पे है तो करंट को बराबर बटना है सिमेट्री के साथ। यहाँ जो तीन वायर है करंट वैसे ही लौट गया है तीन वायर से। सिमेट्रिकल डायग्राम में ऐसा होगा जहाँ सब वायर का डिस्टेंस सेम होगा और सारा सिचुएशन सेम रहेगा, और सब हर केस में से नहीं होगा, जैसे सिर्फ सिमेट्री का। अगर यहाँ पे आर यहाँ पे टू आर आता तो ये सेम होता भी नहीं। समझ में आ रहा है? आ गया आ गया। ठीक है और उसमें बनाएंगे सवाल, एक और सवाल दिए बना लेना। ठीक है तो हम मीटिंग और कोई है तो हाथ उठाए। कोई नहीं।